गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और यार इस समय मैं कर रहा हूँ वीडियो अपलोड, और टाइम देखा जाए तो टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं। 4 बजे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह से ऐसी जगह था, ना तो मेरे पास में फ़ोन था ना कुछ था, बिना फ़ोन की लाइफ सर्वाइव कर रहा था। तो अभी मैं हन्नी के घर पर आया हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, और अपलोडिंग के अंदर अभी लगेंगे 26 मिनट। तो भाई साहब टाइम तो लगने वाला है। और हन्नी की दुकान में बैठे थे इतनी देर से, मैं सोचे जाता यार क्या खाऊँ क्या खाऊँ, तो अभी मैंने ये खाया बिटोस, भाई साहब मस्त लगते हैं। और हन्नी क्या बोलेगा, और कैसा है तू, कल वाली तारीफ वारीफ सुन के ज़्यादा सहंदा नहीं हो गया तू, देख ही ना वीडियो के अंदर, कल देखा ही नहीं। हाय तो कर दे यार सबको, सब देख रहे तेरे को। हेलो, और फोन वन चैट ऐट कर रहा है लौंडा, कल वाला आज डाला ही नहीं ना, अभी डाल रहा हूँ यार। तो भाई साहब सुबह आज है 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे, ठीक है आप सबको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई साहब हम दोनों यही बोलना चाहेंगे यार, अच्छे से क्या बोले यार, 26 जनवरी ऐसी चीज़ है यार, इसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब अगर कुछ गलत निकल गया तो दिक्कत, और कुछ नहीं निकला तो दिक्कत, इससे बढ़िया है कि यार कुछ भी मत बोलो। तो सबको हम इतना ही बोलते हैं कि भाई अच्छे से रहो, मस्त रहो और खुश रहो और रहने दो, सही है गलत है यही है ना, सही है। बाकी तो देखा जाए तो अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, और कल दिया का बर्थडे बता रहे हैं, बहुत अच्छा मनाया, जो कि आप देखना वीडियो के अंदर उसने कितनी मस्ती करी है, और काफ़ी गिफ्ट वगैरह भी मिले उसे। और कल मेरा मास्क का चलान कटा था, तो आज मैंने नया मास्क ले लिया है, वो भी ये वाला लिया है कि कान से नीचे जाए ही नहीं, है नहीं एक बार चोट, भाई ऐसा तो देखा है मैंने मोस्टली कि जब तक आपके साथ चोट नहीं होती ना, जब तक आपको है ना उस चोट का दर्द नहीं होता। भाई मेरे पास पहले दूसरा मास्क था, तो मैं सोचता था कि यार क्या मुँह नाक के नीचे कभी कहाँ है, एडजस्ट चल जाता था, बट कल जब चलान कटा है ना, तो आज आप मानोगे नहीं, इस मास्क को मैंने ना इतना भी नीचे नहीं किया बल्कि इतना ही रखा है। मैं नहीं सही कह रहा हूँ ना भाई, जब तक चोट नहीं लगती ना, जब तक चोट के दर्द का असर नहीं होता, है ना, गलत नहीं कह रहा ना इस चीज़ के लिए। तो भाई साहब जब तक चलान नहीं करता ना, जब तक लोगों को समझ में नहीं आता, बट तेरे को बोल रहा हूँ भाई समझ के संभल के रहियो। और आप लोग भी प्लीज़ अगर बाहर जाते हो तो मास्क लगा के रखो यार, पुलिस वाले चलान काट रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कब किसका चलान कटता है या कब किसका कुछ कटता है, कोई भरोसा नहीं है। तो भाई कटना कटाना तो चलता ही रहेगा। और आज देखा जाए तो यार आज मुझे कहीं जाना भी था वीडियो शूट करने, कोई बढ़िया सी लोकेशन पे, मतलब आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखाने वाला था कि आप लोग देख के बोलते यार क्या बढ़िया चीज़ है, बट यार वहाँ पे भी नहीं जा पाया क्योंकि सुबह से मैं बिज़ी था, बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं जा पाया, जो कि यार मेरी गलती है। और बाकी तो देखते हैं कब जाना होता है नेक्स्ट टाइम, और शायद तक ट्रिप का भी बन रहा है प्लान, नेक्स्ट मंथ एक ट्रिप बन रही है, अभी फाइनल हो रही है, अभी फाइनल हुई नहीं है, बाकी तो देखते हैं। अगर फाइनल हो जाएगी तो यार आप लोगों को वीडियो में ऐसी लोकेशन दिखाएंगे, ऐसी लोकेशन दिखाएंगे, मतलब लोग क्या मतलब जाते हैं बहुत सारी जगह जाते हैं, बट ऐसी लोकेशन पर भाई सब लोग बोलते हैं कि हम ऐसी लोकेशन दिखाएंगे, हम ऐसी लोकेशन दिखाएंगे, बट हम जो दिखाएंगे ना आपको, आप वहाँ से आप निकल जाते हो, उस लोकेशन से आप निकल जाते हो, दूसरी जगह चले जाते हो, बट उस लोकेशन पर कोई नहीं जाता, मतलब ऐसी लोकेशन है मज़ा आ जाएगा। कोई नहीं क्या बोलना चाहेगा, जहाँ अपन जाएंगे, जहाँ मैं बता रहा था, हाँ जहाँ अपनी बात चल रही, नहीं जो मैं बता रहा था तेरे को, अपन जहाँ चलेंगे अपनी बात चल, हाँ तो हिमाचल में जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ हिमाचल वाली, वहाँ लोग जाने मतलब लोगों को पता ही नहीं है उस लोकेशन के बारे में। तो भाई साहब ऐसा ब्लॉग बनने वाला है, वो ब्लॉग्स ऐसे होंगे, मज़ा आएगा और ट्रिप के अंदर भी मज़ा आएगा। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा हमारे खेत वगैरह कैसे हैं वहाँ पे, कितनी कैसी हरियाली है, क्या है। और बाकी तो अब दिया और आ जाए एक बार फिर, दिया औरों के साथ में मस्ती चल ही रहेगी, देखते हैं। और यार वीडियो अपलोड नहीं हुआ अभी तक, वीडियो अपलोड हो जाना तो यार तसल्ली हो जाती है, और आज तो वैसे भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा तो दिक्कत ही है। आज हम आ चुके हैं छत पे, और भाई साहब 26 जनवरी है, लास्ट पतंग उड़ेगी आज, और इधर ये मेरी चरखी लपेट रहा है अभी अभी, भाई साहब आप सोच नहीं सकते इतनी पतंगें काटी लोगों के घर में घुस घुस के, इतनी लंबी लंबी कितनी काटी, मजा आ गया, लोग बोल रहे हैं भाई यार क्या कर रहा है, उड़ाने तो दे तो भाई साहब पतंगबाजी की अगर बात की जाए तो सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी पतंग काटी आज हमने, इतनी पतंग काटी, बट ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को आए 10 मिनट हुए, और 10 मिनट में मैं जितनी कर सकता था उतना मैंने करने की कोशिश करी है। 10 मिनट ही होंगे मेरे को ऊपर आए छत पे ना, 10-15 मिनट है ना, 15 मिनट में 2 पतंग उड़ाई है पन्ने, और 2 पतंग से कितने काटे, 11-12 काटे ही होंगे, और छिटकी लाल क्या हाल चाल, छुटकू लाल है, छुटकू लाल साइड में लपेट, साइड में है वीर, है वीर, है वीर, वीर
क्या हाल चाल तेरे? अच्छे हाँ, हमारे भी बढ़िया। और पतंग तंग उड़ाई यार आज तूने? उसको परक ऊपर रख दे बस। हाँ, तूने पतंग तंग उड़ाई? दिन में उड़ाई थी मैंने। तो अभी ब्लॉग व्लॉग देख रहा है अपने? ब्लॉग देख रहा है डेली? क्या बात है, ये भाई ये डेली ब्लॉग कर रहे हैं हमारे, डेली देखते हैं हमारे ब्लॉग। एक ये देखता है, तू भी डेली देखता है ना? ऑलमोस्ट डेली डेली देखता है। और अभी मेरी पतंग क्या है, सेल लगी थी मेरे पड़ोस वाले घर में चाचा से। तो ये रे चाचा, चाचा काट दिया यार आपने पतंग यार। गलत बात है यार, आपने हमारी पतंग काट दी यार। तो भाई साहब वो रही चाचा की पतंग, तो चाचा ने अभी बहुत लंबी पतंग काट दी हमारी। तो भाई साहब देखा जाए तो इतनी लंबी कटवाई ना हमने पतंग की, हम बता नहीं सकते। बेइज्जती करा ली हमने बहुत लंबी। मेरे को खेचम खाची का शौक है, मैंने कभी सेम है पतंग नहीं लड़ाई, बट सेम है जब भी लड़वाई है मैंने कटवाई है। तो भाई साहब वही सीन है। और ये देखो क्या कर रहा, करिए दोबारा आज आज तो आज तो पार्टी शार्टी है। दीदी का जीजा का बर्थडे है ना आज, इसकी बहन का बर्थडे है, मतलब मामा जी की लड़की का बर्थडे है। कल दिया का बर्थडे था और आज मामा जी की लड़की का बर्थडे है। और भाई साहब पूछो मत, मज़ा आ गया। बाकी आज 26 जनवरी है ना, तो वैसा 26 जनवरी वाले दिन पतंगबाजी का एक अलग ही मज़ा आता है। और ये वैसा चाचा पतंग लड़ा रहे हैं मुझसे, मुझे लग रहा है इनकी पतंग कटने वाली है। क्या बोलेगा है? सही गैस कर रहे हो? सही गैस करो। अच्छा तो भाई साहब, और सीरियसली बताओ ना, तो आज यार कुछ भी ब्लॉग भी शूट नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा यार पतंग उड़ा लेते हैं आज। वैसे भी लास्ट डे है और पतंगबाजी का, कल से पतंगें सारी बंद हो जाएगी, कल से कोई उड़ाएगा, मतलब गिने चुने बच्चे तो उड़ाएंगे, बड़े कोई भी नहीं उड़ाएंगे। तो वही चीज़ है। और भाई साहब ये देखो अमन पतंग उड़ा रहा है, और अपन पतंग, अपने पास पतंग है नहीं, अपन दो ही पतंग लाए थे, एक एक से खूब काटी एक कटवा ली, अब है नहीं पतंग। तो भाई साहब चलते हैं नीचे, और अब थोड़ा सा दिख रहा होगा मौसम कैसा हो चुका। तो ये देख लो मौसम, और ठंडी 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 हवा चल रही है ना, जो कि यार बहुत गलत है यार, इतनी ठंडी हवा में आदमी का दिमाग ख़राब हो जाती है। ये देखो अभी भी लठ लेके लगा हुआ है पतंग लूटने के अंदर, है लठ लेके लगा हुआ है, जी जान से, जी जान से लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे। तो अमन पतंग उड़ा रहा है, इसको तो उड़ान दो, अपन चलते हैं नीचे। शायद तक मैं नीचे जाऊँगा यार, और थोड़ी देर बाद में उड़ाएंगे, थोड़ी देर बाद में उड़ाएंगे, नीचे चलते हैं, नीचे देखेंगे। तो रात के बज रहे हैं 10, और ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये मेरी चैनल के ऊपर 100 वीडियो हो चुके हैं कंप्लीट। सबसे बड़ी बात है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं 100 वीडियो भी यूट्यूब पे डाल पाऊँगा। मैंने ये सोचा था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 50 60 या फिर 70 वीडियो ही डाल पाऊँगा, इससे ज़्यादा क्या डालूँगा। बट मेरे देखते देखते 100 वीडियोज़ डाल दिए हैं, और चलो कोई बात नहीं, जितने डाले उतने डल गए। और आगे मैं इसको कितना कंटिन्यू कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा इसको आगे और भी अच्छे से कंटिन्यू कर सकूँ। और बाकी तो यार आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा है, बट मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है मेरे लिए बहुत है। बाकी तो आगे और लोगों का मिल, आगे अगर और अच्छा मिलेगा तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बट यार मेरे साथ क्या होता है कि मैं जितना अच्छा करने की सोचता हूँ ना, मेरा काम उतना ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो यार ये सबसे बड़ी मेरे साथ में एक दिक्कत है, जिसको मैं खूब बार सुधारने की कोशिश कर चुका हूँ, बट यार ये आदत सुधरती ही नहीं है। तो यार इसको पता नहीं कैसे सुधारेंगे, बट सुधारेंगे, फ्यूचर में सुधार लेंगे इसको। अब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल सुधरेगी सुधरेगी। और बाकी तो जो भी है देखते हैं। और कल मुझे यार ऑफिस भी जाना है, अभी बैठ के पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा सा पढ़ना भी है किसी चीज़ के बारे में। बाकी तो अब हम आप, मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूँगा, जब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और यार बस इतना सा ही बोलूँगा यार, प्लीज़ इतना सा प्यार करो ना, तो उसको इतना कर दो जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा एटलीस्ट। हाँ मुझे लगेगा कि हाँ मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहा है। तो अब हम मैं आप लोगों को मिलूंगा कल, कल तक के लिए बाय बाय।